कदिबा सुहागी थाना क्षेत्र के सुहागी पहाड़ में ट्रक और बस की हुई टक्कर में 15 यात्रियों की जान चली गई, जिसमें 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार कर जो गृह ग्राम जाने योग्य थे उन्हें भेज दिया गया है, जबकि कुछ का उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी के बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और घायलों के उपचार के संबंध में चिकित्सकों से जानकारी ली। विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रताप सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला जा रही यात्रियों से भरी खचाखच बस गिट्टी लोड ट्रक के पीछे से टकरा गई थी, जिसमें 14 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि एक यात्री की उपचार के दौरान मौत हुई है। घायलों से मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक ही स्थान पर लगातार हो रही घटनाएं चिंता का विषय है। इसके लिए उन्होंने MPRDC और कलेक्टर को निर्देश दिया है कि एक आवश्यक बैठक बुलाएं और उक्त स्थान पर घटनाएं क्यों घटित हो रही है इसकी जांच कर कमियों को दूर करें। आइए सुनते हैं विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने दुख व्यक्त करते हुए क्या जानकारी दी है। विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के, ये बिहार का है, ये सब सर हैदराबाद से गाड़ी आ रही है। बाकी अभी ये 1 बजे तक इनके घर वाले आ जाएंगे, तो ये उसके बाद निकलेंगे। ये तो ठीक हो जाएगा, चलवा अपने आप ही जुड़ जाता है। 10-15 दिन निकल जाएगी, आप निकल जाइए, निकल जाइए, उधर 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 इधर से आए। ICU में कम से कम लोग वो आगे वाली सीट पे थी कि पीछे वाली में? नहीं, हमारे रीवा जिले में एक बड़ी दुखद घटना है, जहां पर 14 कैजुअल्टी हुई हूँ एक साथ एक बस में, और करीब 30 से ज़्यादा व्यक्ति घायल हुए हों, तो इससे बड़ी दुर्घटना कुछ हो नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे प्रशासन ने, कलेक्टर, SP, डॉक्टरों ने, और ख़ासतौर पर उस गांव वालों ने सारी रात मेहनत करके उनको निकालने का काम किया है। और प्रशासन ने जिनका मोबाइल मिल गया, IDकार्ड मिल गया उनको, ठीक है, बाकी सबकी फ़ोटो रिलीज कराई है,
उत्तर प्रदेश के पीएस को, सीएस को, तमाम सारे लोगों को भेजा गया है फ़ोटो पहचान के। केवल एक डेड बॉडी बची हुई जिसकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, उसको भेजेंगे। बाकी सारी व्यवस्था हो ही रही है, सीएम साहब चिंता कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। बाकी जिला प्रशासन पूरी ताकत से लगा हुआ है। मैं उसको परीक्षण करेंगे क्योंकि बार बार वहीं पर एक्सीडेंट होता है, स्वाभाविक है। थोड़ा टर्निंग हमको लगता है कुछ ज़्यादा है, तो वो तो एक्सपर्ट ही बताएंगे, MPRDC वाले उसे कहेंगे और कलेक्टर साहब को भी कहेंगे कि उनके बैठक बुला में सड़क सुरक्षा वाला जो बल चलता है उसकी बैठक बुला कर उनको देखें कि आखिरकार गड़बड़ क्या होता है, बार बार क्यों इस तरह से होता है। सर एक दिक्कत और भी है, बसें रीवा से यूपी के लिए बहुत कम जाती हैं और जिसकी वजह से दूसरी गाड़ियों में भीड़ बहुत होती है। नहीं ये वो ये इशू नहीं है, अगर ये क्योंकि हैदराबाद से ही आ रहे थे। मेरा सवाल ये कि MP से यूपी के लिए कोई भी बसें उपलब्ध नहीं, जो टूर बस चलती वही है, तो क्या इस तरीके से आपके दिमाग में आगे चल के कोई प्लानिंग है? वो तो ट्रांसपोर्ट इलाहाबाद से बसों का इंतजाम है, वो इंटर स्टेट का पहले से परमिट मिलता था, अब स्टेट कैरिज कैरिज परमिट है, आपका नेशनल परमिट है या टूरिस्ट परमिट है, इस तरह के परमिट निकलते हैं। उसमें भी कई तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कोई सामंजस्य निकल सकता हो जिससे आवागमन में सुविधा हो सके, ये देखना पड़ेगा। हैदराबाद से थी या उत्तर प्रदेश की थी, हमारे बीच में कोई रोल नहीं था। हमारा रोल केवल ये है कि हमारे यहाँ घटना हुई तो घटना में हमारी प्रशासन ने पूरी ताकत लगा करके बचाने का, सुविधा देने का। क्योंकि आप देखो ये बड़ी भारी बात है कि घटना होने के बाद जो चिपक गए थे उनको छोड़कर बाकी एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, तो सबको जितना जल्दी है कि हम 2-3 घंटे मेडिकल एड पहुंचाने में देर कर देते शायद और कैजुअल्टी हमारी बढ़ती, तो कैजुअल्टी नहीं बढ़ने दी हमारी, ये सबसे बड़ी